ब्रिटेन से ओमिक्रॉन लेके लौटी दो युवतियां। एक दिन पहले गाजियाबाद शहर में दोनों युवतियों के ओमिक्रॉन संक्रमित होने की मिली थी सूचना। जीनेम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि। विदेश से लौटी दो युवतियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। इनमें एक युवती स्वरूप नगर की रहने वाली है और दूसरी रतनलाल नगर की। दोनों ओमिक्रॉन प्रभावित देश ब्रिटेन से लौटी हैं। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में हुई जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वरूप नगर की युवती को ओमिक्रॉन संक्रमण की स्वास्थ्य विभाग ने भी पुष्टि कर दी है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। सीएमओ का कहना है कि लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कानपुर में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। सार्वजनिक स्थानों में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराने में सख्ती बरती जाएगी। बताया जा रहा है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट कई गुना तेजी से संक्रमण फैलाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लेकर आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है। वहीं हमने इस मास्क लगाने को लेकर जब लोगों से बातचीत की तो लोग बचते हुए नजर आए। अच्छा, ये अलाउंस हो रहा, क्या बोला जा रहा है इसमें? अभी आते जा रहा है। अच्छा, मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो आज से सोचेंगे जो सामान उन्हें को तुम जो मास्क लगाए होंगे। चलिए, लोग अपनी गलतियों को चूँकि मान रहे हैं कहीं ना कहीं, वैसे में तमाम लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करते रहेंगे। ये शास्त्री नगर मार्केट में है, खैर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अभी चूँकि दोपहर का समय है तो वैसे में उतनी भीड़ नहीं है, सामान ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मास्क नहीं लगाए आप लोग यहाँ पर? अब ख़त्म हो गया क्या कोरोना? नहीं, खत्म नहीं है। वैक्सीन लग गई आपको? हाँ, लग गई। चलिए ठीक। लोग तमाम लोग हैं जो मास्क लगाए भी हैं, ये वो संख्या है जहाँ पर हम लगातार आगे बढ़ते चलेंगे। और शास्त्री नगर वाकई में यहाँ तो भीड़ ज़्यादा होती है, कोरोना की नई गाइडलाइन फिर से आई है, ऐसे में लोग कितना जागरूक हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड वेव से हम लोग गुजरे हैं, लोगों ने अपनों को खोया है, तो हम कितना अपने आप को बचा पाते हैं थर्ड वेव को लेके। और लगातार नई नई गाइडलाइनें भी आ रही हैं उसको देखते हुए। कहाँ आप, क्या नाम है आपका? कौन सी मार्केट है ये? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर। आप, कोरोना खत्म हो गया? नहीं नहीं भैया, फिर से आ रही थी लहर जी। दूसरी लहर देखी थी कि नहीं देखी थी? देखा। इतनी खतरनाक थी? तो मास्क लगाएंगे नहीं लगाएंगे? चलिए, लोग बसते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें शास्त्री नगर मार्केट की है और दुकानदार भी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट मानी जाती है शास्त्री नगर। क्या नाम है आपका? भैया हमारा तिवारी, इस नाम से सुनील तिवारी नाम। सुनील तिवारी जी। हाँ। अच्छा, वैक्सीन लग गई? वैक्सीन बाबू जी ऐसा है ना कि अभी लगी नहीं, दवाई खा रहे थे, अब अच्छा। लगा, एक दो दिन में लग जाएगी। अच्छा, दवाई भी खा रहे हैं? ना, दवाई इसे कभी। कोरोना की दूसरी लहर देखी थी? जी हाँ। नहीं नहीं देखी थी? खतरनाक थी दूसरी लहर? अब चूँकि हमने तो देखी। अच्छा, मास्क नहीं लगाए आप? जी हाँ। ये अलाउंस हो रहा है आपकी मार्केट में कि जो लोग मास्क ना लगाएं उनको सामान ना दी जाए, तो क्या लगता है कि हमको तो जागरूक होना चाहिए? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल इसमें सहमत हैं। हाँ। क्योंकि मैं अभी चाय पिए तुरंत अभी लगाने जा रहा हूँ। जी हाँ। कानपुर के शास्त्री नगर मार्केट की तस्वीरें थी। तमाम वो लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, बहरहाल अपनी गलती को माना है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे और किस तरीके से लोगों में अभी भी लापरवाहियां हैं। तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि सुधर जाए, अलर्ट हो जाए, होशियार हो जाए, अगर ये ऐसी लापरवाही करते रहेंगे तो शायद स्थिति फिर के पहले की तरीके भयावह हो सकती है। कानपुर से प्रवीण पांडे, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।